ये कहाँ से आप सवाल ले आए? विपक्ष कमजोर है। हमारा काम है सवालों को उठाना जो हम उठाते हैं, और हमें प्रसन्नता है खासकर कांग्रेस के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी प्रश्न उठे गए हैं जनहित के द्वारा, उस पर सरकार को हमने घेरा है और सरकार को उससे परेशानी हुई है। बंगाल में राजनीति अलग धारा पर होती है, केरल में हम CPM के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में हमारा CPM के साथ गठबंधन है। तो फायदा तो बीजेपी नहीं, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता RJD के बंगाल चुनाव में अलग रहने से कांग्रेस और CPM गठबंधन को कोई नुकसान होगा। वहाँ CPM कांग्रेस गठबंधन ही मुख्य लड़ाई में है और हमारी सरकार बनी। राहुल गांधी जी ने उन्हीं बातों को स्पष्ट किया है कि जो गलतियाँ आपातकाल के दौरान कुछ हुई थी, हमने उसके लिए पूर्व में भी खेद प्रकट किया है, अभी प्रकट करते हैं। लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल देश में लागू है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि आज तो बिना आपातकाल के ही आपातकाल लगाया हुआ है मोदी जी ने, आप कुछ बोल नहीं सकते, आलोचना नहीं कर सकते, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ED, CBI और इनकम टैक्स का। इनको लेकर लगातार सियासत चल रही है। विपक्ष जो है वो राजद ने कहा है कि अभी वैक्सीन नहीं लेंगे जब तक दोनों डॉक्टरों से राय विमर्श नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं लेंगे। वही एक तर जो विपक्ष में कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस के MLC प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम भी वैक्सीन लेंगे। साथ ही साथ बात कर ले कि जो विपक्ष कह रही है कि हम जांच करवा कर वैक्सीन लेंगे, जब यह सवाल किया गया कि आपके गठबंधन दल कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसे कैसे कह सकते हैं कि वो वैक्सीन लें। लेकिन बात कर ले कि बंगाल चुनाव को लेकर, तो बंगाल में जिस तरह से कांग्रेस और CPI एक साथ है और नेता प्रतिपक्ष मतलब राजद जो है वो TMC के साथ है, ऐसे में यह सवाल किया गया कि क्या राजद अलग अलग रह कर जो है वो BJP को आने से रोका जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राजद की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रेमचंद मिश्रा ने ऐसा कहा कि हमें राजद की बंगाल में किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है और बंगाल में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कुछ कहें प्रेमचंद मिश्रा? ये बताइए, विपक्ष इतना कमज़ोर क्यों दिख रहा है विधान परिषद में? ये कहाँ से आप सवाल ले आए? विपक्ष कमज़ोर है, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। विधान परिषद में जो आवाज़ उठती है वो मुझे लगता है अपने हिसाब से काफ़ी पर्याप्त संकेत देने के लिए हैं कि कम संख्या होने के बावजूद जनहित से जुड़े प्रश्नों को हम मजबूती से न सिर्फ उठाते हैं बल्कि सरकार की विफलताओं को भी कई बार उजागर किया है। ये अलग बात है कि सरकार हमारे प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं देती है और अपना मुँह छुपाती है, अपनी विफलताओं को ढकती है, और वहाँ संख्या बल उनका बहुत ज़्यादा है तो उसको हर चीज़ में अपने पर प्रिवेल कर जाते हैं, उसको पारित करवा लेते हैं। हमारा काम है सवालों को उठाना जो हम उठाते हैं, और हमें प्रसन्नता है खासकर कांग्रेस के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी प्रश्न उठे गए हैं जनहित के द्वारा, उस पर सरकार को हमने घेरा है और सरकार को उससे परेशानी हुई है। आपको वैक्सीन लगाने में परेशानी क्या है, क्यों है? हमें कोई परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगाए। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बढ़िया वैक्सीन बनाया है, उस टीकाकरण का लाभ सबको लेना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल उसमें इसलिए उठाया था हमने कि कोरोना वैक्सीन को लेकर एक स्थापित मापदंड था कि उसका तीसरा ट्रायल भी होना था। सरकार ने बिना तीसरे ट्रायल को वैक्सीन को लॉन्च कर दिया, उस पर संदेह हमारा था। हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिसको भी लगे उससे उसको लाभ मिले। कई खबरें आई हैं अभी भी, इवन IGIMS के डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन लिया और उसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए। तो कई सवाल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन गलत है, नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए और यह एक अच्छा कारगर उपाय है कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए। तो आप अपने सहयोगी पार्टी RJD को भी समझाइए, वो कह रहे हैं कि विशेषज्ञों से जांच कराएंगे, उसके बाद टीकाकरण कराएंगे। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी राय होती है, RJD अपने राय पर चलने के लिए स्वतंत्र है। हम उन्हें क्यों सुझाव दें कि आप ले लीजिए या कहीं गड़बड़ हो गया तो? मैं तो इन टोटैलिटी में कहा कि कोरोना वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया है, अच्छा बनाया है, आप लेंगे, सभी को लेना चाहिए और मैं भी कोरोना का वैक्सीन लूंगा। आपातकाल की आलोचना कांग्रेस के अंदर ये होने लगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, गलत था वो। राहुल गांधी जी ने आलोचना करने के ख्याल से उन शब्दों को नहीं कहा जिससे आप पकड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कई बार पूर्व में भी इस बात को दोहराया है कि आपातकाल के दौरान जो कुछ ज्यादती हुई वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने उन्हीं बातों को स्पष्ट किया है कि जो गलतियां आपातकाल के दौरान कुछ हुई थी, हमने उसके लिए पूर्व में भी खेद प्रकट किया है, अभी प्रकट करते हैं। लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल देश में लागू है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि आज तो बिना आपातकाल के ही आपातकाल लगाया हुआ है मोदी जी ने,
आप कुछ बोल नहीं सकते, आलोचना नहीं कर सकते, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा। संदर्भ वो था बिहार की क्या, बंगाल में चुनाव है और तो फिर बीजेपी राम नाम के, राम के नाम पर वोट मांगने की, बीजेपी के पास कुछ अपना एजेंडा है नहीं, बीजेपी तो उसी नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम को बेचती है, उसके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकती है। मैं समझता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके आराध्य हैं, वो उनको हम सभी मानते हैं, पूरे देशवासी मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना ये गलत चीज है। लेकिन सर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एकजुटता की बात होती है बंगाल में देखिए आप लोग तो बिखर गए, कांग्रेस अलग गठबंधन बना रखी है, तेजस्वी यादव जाके ममता बनर्जी से मिलते हैं, ऐसे में अगर बिखराव रहेगा तो बीजेपी को फायदा सीधा पहुँचेगा। इसे बिखराव के रूप में कांग्रेस नहीं देखती, मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है, बिहार से बाहर आरजेडी के नेता कहाँ किनसे मिलते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। बंगाल में राजनीति अलग धारा पर होती है, केरल में हम सीपीएम के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में हमारा सीपीएम के साथ गठबंधन है। तो नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता आरजेडी के बंगाल चुनाव में अलग रहने से कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन को कोई नुकसान होगा, वहाँ सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ही मुख्य लड़ाई में है और हमारी सरकार बनेगी।